खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है, कल ही कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। चौथे चरण में 9 राज्यों में कुल 71 सीट पर मतदान होना है, जिसमें 13 करोड़ मतदाता वोट देंगे। यूपी में उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज और कानपुर समेत 13 सीट पर मतदान होगा। सबसे ज्यादा 17 सीटों पर मतदान महाराष्ट्र में होगा। इसमें मुंबई की सभी 6 सीटों पर मतदान होगा। वहीं बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 8, उड़ीसा में 6 सीटों पर मतदान होगा, झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में वीआईपी सीटों में बेगूसराय शामिल है, जहां गिरिराज सिंह का मुकाबला कन्हैया कुमार से होगा। इनके अलावा आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, बीजेपी के नित्यानंद राय, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, एमपी के सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, फरुखाबाद से कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद, जोधपुर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, आसनसोल से बाबुल सुप्रियो और अभिनेत्री मुनमुन सेन की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो जाएगा।